केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया और उन्हें एक विजनरी नेता बताया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 6 मंत्री बने हैं, हम पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि हम सभी की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में हर कसौटी पर खरे उतरें। हम सब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विजनरी लीडर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने हैं, उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सब की कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें। और इसलिए संकल्प मध्य प्रदेश में आज जब हम आए तो एक ही है, हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान अन्नदाता है, एक प्रकार से भगवान है, और खेती और किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। हम सब मंत्रियों को अलग अलग जो जिम्मेदारी मिली है वो हम अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ठीक से निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने कार्यभार संभाला और लगभग 5 दिन में स्वयं सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मंत्रालय में ही रहा और काम को हमने समझने की कोशिश की। 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं, उस काम को आगे बढ़ाना है। और हमारा तो सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली फाइल साइन की तो वो थी किसान सम्मान निधि की फाइल। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी काशी से अंतरित करने का काम करेंगे। 18 के कार्यक्रम में हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, अलग अलग कार्यक्रम होंगे पंचायतों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, अलग अलग जगह मंडियों में, और लगभग 2.5 करोड़ किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।